everybody, मैं हूँ नंदनी वेद एंड आई'd like to welcome you all to yet another exciting episode of World of Food. तो चलिए, let's not waste any more time and get this journey started. आज जिस हस्ती से हम आपको मिलवाने वाले हैं, not only is he a popular face on Indian television, but also a well-known chef internationally. I'm sure you guys are curious. Go have a look in our spotlight segment. नमस्कार, मेरा नाम है शेफ कुणाल कपूर. भगवान ने ना मुझे बचपन में एक भोली सी सूरत दी हुई थी, लेकिन अंदर एक छोटा सा शैतान था. मैं तो बिल्कुल भी स्टूडियस नहीं था, मस्ती बहुत करता था. एग्जीक्यूटिव सूस शेफ एट लीला कैंपिंस्की गुड़गांव, मिलिए शेफ कुणाल कपूर से, एक पॉपुलर नाम और चेहरा फूड इंडस्ट्री से. हेलिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बैंकर्स, शेफ कुणाल के घर वालों का मानना था कि वो भी अपने फादर की तरह ही बैंकर बनेंगे, बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स. मैंने अपनी 12वीं तक कॉमर्स करी थी क्योंकि मेरे फादर बैंकर थे, मेरे ग्रैंडफादर बैंकर थे. सो एक नेचुरल था कि मैं अकेला एक लड़का हूँ फैमिली में, बाकी सब लड़कियाँ हैं, तो ये लड़का भी बैंकर ही बनेगा. लेकिन मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, बहुत बुरे नंबर आते थे मेरे मैथ्स में. अभी भी मुझे कैलकुलेटर चाहिए होता है, कोई भी मैथमेटिक्स का कुछ भी हल करना है, कुछ गुना करना है. तो ऐसी सूरत में इतना पक्का था मेरे अंदर कि मैं अगर बैंकर बनूंगा तो बहुत ही बुरा बैंकर बनूंगा. मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो कर रहा होटल मैनेजमेंट और उसके लिए ज़्यादा नंबरों की भी ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू दो, पास हो गए, होटल मैनेजमेंट कर लोगे और उसके बाद अच्छे होटल में नौकरी लग जाएगी. मैंने सोचा है चलो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि कम अज़ कम मैं बैंकर नहीं बनूंगा, होटल मैनेजमेंट कर लेता हूँ, उसका देखी जाएगी क्या करना है लाइफ में, आगे सोच के बताऊँगा. तो मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने पापा के पास गया और उनको कहा कि पापा मुझे बैंकर नहीं बनना. मुझे लगा खूब डांट पड़ने वाली है, लेकिन उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया. घर के किचन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शेफ कुणाल को खुद ये नहीं पता था कि ये नॉलेज उनकी लाइफ में एक अहम रोल प्ले करने वाला है. मेरा कुकिंग का सफर शुरू हुआ मेरे घर की किचन से, जहाँ पर हमारे जो जितने भी घर के सदस्य थे उसमें जितने भी मेल्स थे, यानी कि मेन जो थे, उनको कुकिंग का बहुत शौक था और हर कोई संडे कुक था. और मेरे फादर मुझे भी याद है, एक एक इंग्रेडिएंट, एक एक सामग्री को जब डालते थे मुझे बताते थे, कुणाल ये देख, ये है इलायची, इसको कहते हैं कार्डमम, ये है मोटी इलायची, इसे कहते हैं ब्लैक कार्डमम, सीक्वेंस में मुझे बताते थे. मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये सब जो मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पार्ट खेलने वाले हैं. उन्हें अपनी पहली अपॉर्चुनिटी मिली द ताज में और यही से शुरू हुआ उनके लाइफ और करियर का नया चैप्टर. सन 2000 में जब मैंने कॉलेज पास आउट किया और अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया, उस टाइम पर ना हिंदुस्तान में इतने होटल्स होते थे, ना इतनी अपॉर्चुनिटीज होती थी. ताज का इंटरव्यू था सबसे पहला और 250 कैंडिडेट्स बैठे थे, सिर्फ 5 का सिलेक्शन हुआ, जिनमें से मैं एक लकी था. 12 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, कई दिन ऑफ नहीं मिलता था. इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, बहुत मेहनत लगी थी, लगा कि ये छोड़ देना चाहिए. एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में, इतना क्लियर हो गया था कि कुणाल ये होटल की लाइन, बींग ए शेफ, ये आपके पास इस वक्त है, और क्या है, फिलहाल कुछ भी नहीं. या तो क्विट कर दो और घर बैठ जाओ और सोचो, माँ बाप को तंग करो, बोलो भाई सोचो मेरे लिए क्या करना है, या फिर इसी के अंदर अपना सिक्का जमाओ. 5-6 साल हुए, उसके बाद जब मुझे काम ढंग से समझ आ गया, थोड़ी सैलरी अच्छी हो गई, तब मजा आने लगा. पर एक इंसिडेंट है उनकी करियर की शुरुआत का जो आज तक उनकी मेमोरी में एच्ड है. एक वाकया है जो मुझे भुलाया नहीं भूलता. जब मैं ट्रेनी शेफ था और मेरे जो सीनियर शेफ थे, शेफ अरविंद सारस्वत, उन्होंने कहा मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो हमको एक 3 कोर्स की डिशेस बनाकर उनको प्रेजेंट करने दी. फटाफट बना के सबसे पहले दौड़कर उनके पास पहुंचे. मैंने जब वो सूप प्रेजेंट किया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था. उन्होंने सूप को देखा, फिर मुझे देखा, फिर उन्होंने सूप को उठाया, मतलब पीने लगे, बाहर फेंक दिया, यहाँ से गया कान से बच कर ठाक. एंड देन उन्होंने बड़े आराम से चिल्लाकर बोला, चम्मच कहाँ है? करीबन 1 साल तक मैं सोचता रहा
कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब मुझे मेरी एक पहली किचन मिली मैनेज करने को, उस दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ अच्छे शेफ की ये निशानी होती है कि उसका काम सिर्फ अच्छा खाना बनाने तक नहीं सीमित होती, उसे सही ढंग से परोसना, सर्व करना, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफी मेहनत और कई अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के बाद आज सेलिब्रिटी शेफ बन चुके शेफ कुणाल डाउन टू अर्थ हैं और उनकी सिग्नेचर डिश भी उन्हीं की तरह स्वीट और सिंपल है। मेरी सिग्नेचर डिशेस खूब सारी हैं, लेकिन मुझे गर्मियों का मौसम बहुत पसंद है। मेरे फूफा जी मैंगो कुल्फी बनाते थे, ताज़े आमों से बनाते थे, और उनसे मैंने ये रेसिपी सीखी है। और मेरे रेस्टोरेंट में हर गर्मी के अंदर ये होममेड मैंगो कुल्फी जो बनती है इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिशेस, मुझे जो लगता है जो मैं बना सकता हूँ। अपने करियर को इंस्पायर और मोल्ड करने का श्रेय शेफ कुणाल इंडिया के वेल नोन शेफ्स को देते हैं। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे शेफ़्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। शेफ़ अरविंद सारस्वत जो कॉरपोरेट शेफ़ हैं ताज होटल्स के, शेफ़ अरुण त्यागी हैं, लंबे अरसे तक वो कॉरपोरेट शेफ़ थे रेडिसन होटल्स में, शेफ़ राजीव चौधरी जो कॉरपोरेट शेफ़ पूरे कार्लसन ग्रुप के रह चुके हैं, शेफ़ मंजीत गिल हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है, आई थिंक ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। शेफ़ संजीव कपूर ने तो मतलब चार चांद लगा दिए हमारे इस करियर पर। With this, हम साइन ऑफ करेंगे with some गुरु मंत्रा from Chef Kunal. कोई भी सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मंत्रा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ एक ही है, आपको अपने टाइम और अपनी मेहनत डालनी होगी, that's it. शेफ कुणाल कपूर स्पेशलाइज करते हैं इंडियन, इटालियन और यूरोपियन क्विजीन में। इन्हें मास्टर शेफ अमेरिका के एक एपिसोड को होस्ट करने के लिए स्पेशल जज की तरह बुलाया गया था। कुणाल कपूर शेफ हैं दिया के, इंडिया के सबसे बड़े चॉकलेट टावर को बनाने के लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। शेफ कुणाल ने आहार फेस्टिवल में सिल्वर मेडल और होरेका कुवैत में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस सब के बाद इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक।